डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड चेंज ऑफ वेरिएबल्स इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एक सपोजिशन लेते हैं जेड इक्वल्स, बात कर रहे हैं हम लोग टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल कोफिशियंट, कोफिशियंट जरा से देखा जाए का इफ जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स इज फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज फंक्शन ऑफ टी, देन टोटल डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी इज डिनोटेड बाई डी जेड अपॉन डी टी एंड इज डिफाइंड एज का देखा जाए डी जेड अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। यू गेट टोटल डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी। थोड़ा सा फिर से समझा जाए, आपने कहा कि जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और इन टर्न एक्स इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी एंड वाई आल्सो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो क्या उस कंडीशन में जेड का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होगा, तो जेड का टी के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा वही डी जेड अपान डी टी कहलाएगा, और डी जेड अपान डी टी को ही हम लोग टोटल डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी कहते हैं, टोटल डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये थी, जरा सा समझा जाए इसको ऐसे भी एक ट्रिक के माध्यम से। ये कहा गया जेड, जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई, जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और जब आप कहते हैं कि जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में या जेड का वाई के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ना होकर के क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो ये लिखा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और ये लिखा डेल जेड अपॉन डेल वाई। फिर आपने यह भी कह रखा है एक्स इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, वाई इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी, तो एक्स को टर्मिनल टी से कनेक्ट कर दिया और वाई को भी टी से कनेक्ट कर दिया। ये तो एक्स का टी के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव हुआ वह कहलाया डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे ही वाई का टी के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वह क्या कहलाएगा डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि एक्स सिर्फ सिंगल टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा टी से कनेक्ट हो रहा। ठीक है, अगर यही एक्स फिर दो टर्मिनल से कनेक्ट होता तब उस कंडीशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ना लेकर के पार्शियल डेरिवेटिव। अब आपसे कहा गया तो जेड का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का, तो पहले जेड से एक्स पर आए और फिर एक्स से टी पे गए, जेड से वाई पे गए फिर वाई से टी पर आए। अब जेड का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, जेड का टी के रिस्पेक्ट में का इन दोनों का सम होगा, मतलब जेड का रिलेशन एक्स और वाई से और एक्स और वाई का रिलेशन टी से, इसका जेड का सीधा रिलेशन किससे होगा टी से, सिंगल वेरिएबल से, तो सिंगल वेरिएबल से होगा तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, लेकिन का इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स,
इंटू डी एक्स अपान डी टी प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी टी दिया गया है सामने। तो यही रिजल्ट यहाँ पे लिखा गया था कि अगर जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई हो और एक्स वाई फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी हो देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी इज डिनोटेड बाई डी जेड अपान डी टी इज इक्वल टू डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी टी प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी टी। ये आपसे कहा गया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डी जेड इक्वल डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई। इसको ऐसे भी हमने कहा कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर आइए बात करते हैं कि इफ दूसरा केस लेते हैं इफ जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एलोन देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ये सवाल है। तो आपने कहा क्या है का जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब जब जेड फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड दो टर्मिनल से एक से ज्यादा टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है तो जो डेरिवेटिव लेंगे वह पार्शियल डेरिवेटिव हो तो लिखा डेल जेड अपान डेल एक्स और लिखा डेल जेड अपान डेल वाई। फिर आप कह रहे हैं वाई तो सिर्फ सिंगल से कनेक्ट हो रहा है और किससे कनेक्ट हो रहा है यक्स से। तो जब सिंगल टर्मिनल से वाई के कनेक्ट हो रहा है यक्स से सिर्फ कनेक्ट हो रहा है तो वाई का यक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव लिखा जाएगा वह क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स। तो एक्स के बारे में तो दिया ही नहीं गया किससे कनेक्ट हो रहा है तो यक्स इसका मतलब स्वयं से कनेक्ट हो रहा है इसका और कनेक्ट किसी से कनेक्शन नहीं है तो यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा डी एक्स अपान डी एक्स। इसका मतलब अब अगर हम जेड का कनेक्शन एक्स वाई से और एक्स वाई का कनेक्शन सिर्फ किससे है एक्स से इसका फाइनली जेड का कनेक्शन किससे हुआ है एक्स से तो जेड फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल हो गया तो इसको क्या लिखेंगे डी जेड अपान डी एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का सम। इन दोनों का सम लिखेंगे तो आएगा डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। या इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं डी जेड अपान डी एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। देखिए आ गया ये आपका रिजल्ट हो गया ठीक। जब ऐसा प्रॉब्लम होगा मतलब जेड इज फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वाई इज फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो होगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात कर ले। अब जरा से इस पर थोड़ी सी माथापच्ची और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा प्रयास कर लें। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ जेड इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई वेयर एक्स इक्वल्स साइन टी या एक्स इक्वल्स टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर देन फाइंड डी जेड अपान डी टी। मतलब आपसे पूछा क्या रहा है जेड का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसके सलूशन पे आएंगे तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता फर्स्ट मेथड ले लिया कि यहां आपसे जो पूछा जा रहा है जेड इन टर्म्स ऑफ टी पूछा जा रहा है तो आप ये कर सकते हैं जेड इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई आपको दिया गया है यह भी दिया गया x इक्वल्स टी स्क्वायर इसको टू कह दिया
यह भी दिया गया वाई इक्वल्स वन माइनस टी स्क्वायर, इसको हमने थ्री कह दिया। अब अगर हम एक्स वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में रख दें तो सीधा जेड इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा और हम जवाब देने की स्थिति में होंगे। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख रहे हैं जेड इक्वल्स एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया टी स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई की जगह आ गया वन माइनस टी स्क्वायर। कुल मिला के हो जाएगा टी टू दी पावर फोर इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, और यह भी देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टी टू दी पावर फोर माइनस टी टू दी पावर सिक्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस टू एंड रिलेशंस टू एंड थ्री। अब आपसे जो पूछा गया उसकी बात करें तो देयरफॉर डी जेड अपॉन डी टी, क्योंकि अब देखेंगे तो जेड इन टर्म्स ऑफ टी आ चुका है, आसानी से डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे आप इंटरमीडिएट में करते हैं। तो टी टू दी पावर फोर का डेरिवेटिव हो जाएगा फोर इंटू टी क्यू, टी टू दी पावर सिक्स का होगा सिक्स इंटू टी टू दी पावर फाइव, मन क्या इसमें से टू टी क्यू कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा टू माइनस थ्री टी स्क्वायर। ऐसे आप जवाब दे सकते हैं डी जेड अपॉन डी टी। ओके, अब अगर दूसरे मेथड से करते हैं जो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मेथड आपको बताएगा सेकंड मेथड, उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी देखा जा सकता है। उसके लिए आपको पहले dx अपॉन dt निकालना होगा, तो dx अपॉन dt क्या होगा यहाँ से देख सकते हैं 2t हो जाएगा, dy अपॉन dt क्या होगा वो भी निकाल लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2t। क्योंकि z इज फंक्शन ऑफ मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y है, तो यहाँ z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डेल z अपॉन डेल x, वह क्या आएगा 2xy, डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे तो डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे तो क्या जाएगा x स्क्वायर y का y का इसमें डेरिवेटिव बन जाएगा। अब जो टोटल डेरिवेटिव की डिफिनेशन है उसके अनुसार इसको हम लिखेंगे dz अपॉन dt इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी फार्मूला प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ये आपने लिख दिया। अब देखते हैं आपको क्या क्या चीजें चाहिए। हमको डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, डेल जेड अपॉन डेल वाई चाहिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं, डी वाई अपॉन डी टी चाहिए वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब सब कैलकुलेट कर ही चुके हैं तो सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो यहाँ हम लोगों ने dz अपॉन dx की जगह लिख दिया dz अपॉन dx, सॉरी डेल z अपॉन डेल x की जगह लिख दिया 2xy into dx अपॉन dt की जगह लिख दिया 2t, डेल z अपॉन डेल y की जगह लिख दिया x स्क्वायर और dy अपॉन dt की जगह लिख दिया माइनस 2t। अब जो देखेंगे राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट्स आ रहा है वो रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ा आ रहा है, गड़बड़ी सब एक्स वाई टी सब में आ रहा है, तो जरूरत है क्योंकि हमको जेड इन टर्म्स ऑफ टी चाहिए तो एक्स वाई को टी में बदले, तो एक्स की जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, तो टू इंटू टू पहले फोर हो गया, एक्स की जगह लिख दिया टी स्क्वायर, वाई की जगह लिख दिया वन माइनस टी स्क्वायर इंटू ये टी पहले से मौजूद है ये टी लिख, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू इंटू टी इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब होगा टी स्क्वायर का स्क्वायर टी टू दी पावर फोर, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका फोर टी क्यू टी स्क्वायर इंटू टी माइनस फोर टी टू दी पावर फाइव, दो दो चार और एक माइनस टू टी टू दी पावर फाइव, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा फोर टी क्यूब माइनस सिक्स टी टू दी पावर फाइव, टू कॉमन ले लेंगे या टू टी क्यूब कॉमन ले लेंगे, टू माइनस थ्री इंटू टी स्क्वायर ये आपका आ गया। तो देखिएगा शायद यही चीज यहाँ भी आ रहा था वही चीज वहां भी आया, तो आप दोनों ही तरीके से इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी आ रहा है तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि काम करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ टी है इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके हम सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल, या दूसरा तरीका आपको जो मेथड बताएगा उससे कर। फिर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड टोटल फाइंड टोटल
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। देखिएगा पहले क्वेश्चन जैसा ही रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स एंड वाई स्क्वायर एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड कनेक्टेड बाय द रिलेशन बाय द रिलेशन। एक रिलेशन बना के लिख लेते हैं हम लोग, कोई एक रिलेशन आप लिख लीजिए। ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखिए क्या जब फाइंड द टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू यस, तो ये पाने के लिए पहले क्या क्या दिया है वो देखा जाए। तब मान लेते हैं लेट जेड इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई, इसको कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर, एंड गिवन दैट वो क्या एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हो गया और एक्स वाई इक्वल टू सी कहा जा रहा है। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कुल मिला के कहा रहा है डी जेड अपॉन टू एक्स। अब जरा सा इसको समझा जाए, आप यहाँ कह रहे हैं कि जेड है और जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अपने से सोचना शुरू करिए फार्मूली बारे में। तो जेड जब दो टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है तो एक आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और दूसरा आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। फिर आप कह रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका जेड फाइनली डी जेड अपॉन डी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में लाना है। इसका मतलब हम यह मान रहे हैं कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स है और एक्स क्या है इटसेल्फ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हो गया, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया और यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स, जेड इज फाइनली फंक्शन ऑफ एक्स, इन दोनों का जो सम होगा वही टोटल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो बाय डेफिनेशन देख लिया जाए, बाय डेफिनेशन ये आएगा क्या डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। थोड़ी देर पहले इसको आपको समझाया कैसे लिखते हैं, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। अब जब आपने ये डिफाइन कर ही लिया तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, हमको डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये कहाँ से मिलेगा इक्वेशन नंबर वन से, देखो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स वाई, ऐसे डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बिकॉज वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वो कहाँ से मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे। तो जब इक्वेशन टू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस आपको पता है कैसे हमको करना है तो उसको करते हैं। इक्वेशन नंबर टू ये है आपको, जब इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स प्लस एक्स वाई को एक्स के अर्डनरी डेरिवेटिव तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा वन हो गया तो बचा क्या वाई, फिर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिएगा x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में हो गया 2x, y x y लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर प्लस y स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2y इनटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x plus y प्लस x प्लस 2y dy by dx कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या, तो dy by dx इक्वल्स आप हमने का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस टाइम 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 3 और 4, ये जो रिजल्ट आपने निकाल रखे हैं इसको हमने कह दिया है कंबाइंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 5। यूजिंग इक्वेशंस 4 और 5 इसमें इन इक्वेशन थ्री वी गेट क्या मिलेगा वो देखा जाए, ये हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन डी एस इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एस, ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं और डेल जेड अपॉन डेल एस आप कर चुके हैं 2xy, तो हो गया 2xy प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई दैट इज x स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एस दैट इज माइनस ट्वाइस x प्लस वाई अपॉन x प्लस twice y, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये जगह डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई एंड दैट इज आवर हो गया आपका डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये चीजें अब आपको कैसे हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर बेस क्वेश्चंस को अंजाम देते हैं ये आपको पता चल चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स, तो चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है थोड़ा सा इसको भी समझा जाए, कुछ अलग नहीं है, अगर आपने ट्री समझ लिया है तो आसानी से उसको भी आप कर सकते हैं समझ सकते हैं। तो बात नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स यहां कह रहे हैं इफ जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, फिर एक्स इज फंक्शन ऑफ two variables r and s and y is a function of two variables r and s, means x z is a function of two variables x and y and s y are function of two variables r and s। तो two क्या होगा हम ऐसे tree के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप कह रहे हैं एक z है और जेड कनेक्ट है दो लोगों से, एक यक्स से और दूसरा वाई से, ये यक्स हो गया और ये क्या हो गया। अब जब ये दो वेरिएबल से कनेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली हम इसको डिनोट करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स से और इसको डिनोट करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये चीजें आ गई हम लोगों के सामने। अब आपसे ये भी कहा जा रहा है यक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विद टू टर्मिनल्स R and S, तो यहाँ से भी हम लोग दो टर्मिनल बना लेते हैं, एक ये टर्मिनल बना लिया और एक ये टर्मिनल बना लिया R and S, एक हो गया R और दूसरा हो गया S, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल R और ये क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल S हो गया। ऐसे ही Y भी दो टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, एक टर्मिनल आपका ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये, एक R हो गया और दूसरा S हो गया। R क्या कहलाएगा डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल आर हो गया
क्योंकि दो टर्मिनल है, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो का अगर हम जेड को आर के रिस्पेक्ट में फाइनली डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन डेल आर। देख करके ट्री को आप बता सकते हैं, पहले जेड से चलेंगे कहां तक आएंगे, एक्स तक, तो क्या लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, लिख दिया डेल जेड अपॉन डेल एक्स इनटू। अब एक्स से हमको जाना कहां तक, आर तक, तो एक्स से चलेंगे, एक्स वाला रास्ता ना पकड़ के किस पर आना है, आर पर। तो अब क्या लिखेंगे, इनटू डेल एक्स अपॉन डेल आर। ये तो एक टर्मिनल का हो गया, इसके साथ प्लस करेंगे तो प्लस भी आ गया, यहां प्लस आ गया। फिर क्या लिखेंगे, जेड का वाई के रिस्पेक्ट में, तो जेड का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, कितना आ गया। फिर वाई को जब हम आर के रिस्पेक्ट में पहुंचना है, इसको हम लिखेंगे डेल वाई अपॉन डेल आर, एंड इट इज चेंज ऑफ वेरिएबल। जेड को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज किया और फिर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, आर के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल जेड अपॉन। ऐसे ही जब हम डेल जेड अपॉन डेल वाई की बात करेंगे, सर डेल जेड अपॉन डेल एस की बात करेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एस क्या होगा, वो भी आपको आप बता ही सकते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एस इज इक्वल टू, देखिएगा सिंपली, डेल जेड अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एस, ये होगा प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एस, ये हो गया आपको एक रिजल्ट, ये हो गया और दूसरा रिजल्ट। फिर ऐसे ही मान लीजिए यहाँ लिखा होता है u इज फंक्शन ऑफ x y z एंड x y z आर फंक्शन ऑफ r s एंड t, उसे भी हम डिफाइन कर सकते थे, मतलब फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स के लिए भी चेंज ऑफ वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकेंगे। अब जरा सा इस पर बेसिक क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है इफ एग्जाम्पल इफ यफ या यू ले लेते हैं, इफ यू इक्वल्स यू फंक्शन ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, ये ले लीजिए यू फंक्शन ऑफ यू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई कम जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, कितना तो का देन आपको जो बताना है का देन शो दैट, क्या शो करना हो जाइए, का देन शो दैट, क्या शो करना है, इस पर आते हैं, हम लोगों को शो करना है एक्स स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है या आपको शो करना है। अब ये कैसे शो होगा उसको भी देखा जाए, सोल्यूशन पे आएंगे, तो सोल्यूशन के लिए जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो पहले कहा गिवन रिलेशन कैन बी रिटन एज, गिवन रिलेशन या गिवन रिलेशन इज, ये कह दिया यू इज इक्वल टू यू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, और ये कहा जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, ये कह लिया। अब जब आपने इसको कह लिया है तो लेट आर इक्वल्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई अपॉन एक्स वाई करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई, ये तो आपका पहला हो गया। और एक्स इक्वल्स हम लोगों ने कह दिया जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, ये लीजिए जेड अपॉन एक्स जेड करेंगे तो जेड से जेड कैसे हो जाएगा, आ जाएगा वन अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड करेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन जेड। यहाँ देखेंगे आप अगर ध्यान से देखा जाए तो r इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया और s इज फंक्शन ऑफ एक्स जेड हो गया, तो यहाँ कुल मिला के हो गया, जब आपने इसे r कह दिया और इसे आपने s कह दिया, तो अब हो गया u इज फंक्शन ऑफ r s
पर आर एंड एस आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। तो जब आपने ऐसा कहा तो उस कंडीशन में अब डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, हियर का होगा यू इज फंक्शन ऑफ आर एस एंड आर कमा एस आर फंक्शंस ऑफ आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। देयरफॉर अब आप चेंज रूल पे आ जाइए, सॉरी चेंज ऑफ वेरिएबल्स पे आ जाइए, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एस। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर टू, इसको कहा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फिर ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। फिर ऐसे ही जब आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल जेड। और ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब कहा जो चीजें हमें चाहिए उसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वन। हमको चाहिए डेल यू अपॉन सॉरी डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई डेल आर अपॉन डेल जेड डेल एस अपॉन डेल एक्स डेल एस अपॉन डेल वाई डेल एस अपॉन डेल जेड। तो आर और एस इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड तो इक्वेशन नंबर वन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम वन डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर। डेल आर अपॉन डेल वाई करेंगे यहाँ देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल जेड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा जीरो। ऐसे ही जब डेल एस अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो यस को यस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डेल एस अपॉन डेल वाई करेंगे तो डेल एस अपॉन डेल वाई देखिए फंक्शन ऑफ एक्स जेड है वाई नहीं इसका तो कांस्टेंट हो गया क्या हो गया जीरो हो गया। और डेल एस अपॉन डेल जेड करेंगे तो यहां आ जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर। ओके नाउ फ्रॉम थ्री इक्वेशन नंबर थ्री पे आएंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आपने कहा डेल आर अपॉन डेल एक्स दैट इज माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर। ऐसे डेल एस अपॉन डेल एक्स देखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। या क्योंकि आपको चाहिए क्या एक्स स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स देयरफॉर एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल आर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर। ऐसे ही फिर हम दूसरा जो निकालना चाहेंगे फिर कोशिश करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम थ्री थ्री से आते हैं तो ये हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू इस पर आते हैं यहाँ चाहिए आपको डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करते हैं वन अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर। फिर डेल एस अपॉन डेल वाई चाहिए और डेल एस अपॉन डेल वाई भी कैलकुलेट करते हैं जीरो प्लस जीरो लेकिन आपको यहाँ क्या चाहिए वाई स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए इसमें वाई स्क्वायर से गुणा कर दिया वाई स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा डेल यू अपॉन डेल आर और इसको हम लोगों ने कहा दिया इक्वेशन नंबर सिक्स ये आ गया। ओके फिर फ्रॉम इक्वेशन फोर
फ्रॉम इक्वेशन फोर इस पर आएंगे तो डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल जेड और कैलकुलेट करते हैं दैट इज जीरो, ये पहला टर्म क्या हो गया जीरो हो गया, प्लस प्लस लिख दिया डेल एस अपॉन डेल जेड कैलकुलेट करते हैं वन अपॉन जेड स्क्वायर तो जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एस। लेकिन हमें जो चाहिए वो देखिएगा, हमें तो जेड स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड चाहिए, इसमें जेड स्क्वायर से गुणा करें therefore z square into del u upon del z is equal to z square से गुणा करेंगे तो सिर्फ बचेगा del u upon del s, इसमें से इज इक्वेशन नंबर। अब हम इक्वेशन 5 6 7 तीनों को ऐड करें तो एडिंग इक्वेशंस 5 6 एंड 7 वी गेट 5 6 7 को ऐड करने पर तीनों के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर ये मिलेगा x स्क्वायर * del u / del s प्लस y स्क्वायर * del u / del y प्लस z स्क्वायर * del u / del z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आता है इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड है माइनस del u / del r माइनस del u / del s। इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड है प्लस del u / del r, इक्वेशन 7 का राइट हैंड साइड है del u / del s। सिंपलीफाई करेंगे ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे फाइनली रिजल्ट क्या आ गया जीरो। और यही आपको सॉल्व करके दिखाना था कि अगर u इज फंक्शन ऑफ x y z हो तो उसको आपने किया u इज फंक्शन ऑफ rs और आरएस को आपने कहा था आरएस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको लगा कि यहाँ चेंज ऑफ वेरिएबल्स काम करा सकते हैं, तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स का किस तरीके से यूज किया जा सकता है वो तो आपके सामने आ चुका है। तो अब अगर ये चीजें कंप्लीट समझ में आ गए तो इसके आगे हम लोग फिर बात करेंगे अगले टर्म पर, थोड़ा सा चेंज ऑफ वेरिएबल पर और बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे चेन रूल पर।